नमस्कार, आपका स्वागत है एक और क्लास में। आज हम लोग सीखेंगे एल्गोरिदम के बारे में और एल्गोरिदम को किस तरह से खुश किया जाए। इससे पहले कि हम लोग एल्गोरिदम की तरफ बढ़े, हम लोग समझते हैं कि इंस्टाग्राम बिजनेस किस तरह से करता है। आप सब लोग जानते हैं कि इंस्टाग्राम आपको और मुझे फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करवाता है। ये सारा का सारा जो कंटेंट है यूजर जनरेटेड होता है, यानी कि आप और हम मिलकर इस कंटेंट को प्रोड्यूस करते हैं और आप और हम मिलकर ही इस कंटेंट को कंज्यूम भी करते हैं। तो फिर इंस्टाग्राम को पैसे कहां से मिलते हैं? 2019 में एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंस्टाग्राम ने एडवर्टाइजिंग के थ्रू $20 बिलियन कमाए थे, सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजिंग। आप जब इंस्टाग्राम चलाते हैं तो बीच बीच में आपको कुछ स्पॉन्सर्ड पोस्ट दिखाई देती हैं, आप उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि स्क्रॉल करते टाइम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है, बट वो स्पॉन्सर्ड पोस्ट ही कारण है इंस्टाग्राम के इतने सक्सेसफुल होने के पीछे। इंस्टाग्राम का एक रूल है और वो ये है कि इंस्टाग्राम अपने एडवर्टाइजर्स को हमेशा खुश रखना चाहता है। इंस्टाग्राम अपने एडवर्टाइजर्स की एड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखाना चाहता है। अब मान लो मैं इंस्टाग्राम को ₹100 देता हूँ अपने प्रोडक्ट को प्रोमोट करने के लिए, तो इंस्टाग्राम चाहेगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो ताकि मैं आने वाले टाइम में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकूँ इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग के अंदर और इंस्टाग्राम को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकूँ। अब जब इंस्टाग्राम एड्स दिखाएगा और अगर सामने वाला यूज़र जो है, कंज्यूमर जो है, इंस्टाग्राम की ऐप पर नहीं होगा तो वो एड जो है एकदम वेस्ट जाएगी। तो इसलिए इंस्टाग्राम चाहता है कि जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं आप और हम जैसे क्रिएटर, वो कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट करे जिससे इंस्टाग्राम के जो यूज़र्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ऐप के ऊपर बने रहें और ऐप का इस्तेमाल कर सके, ताकि जो एडवर्टाइजर्स हैं उनका फ़ायदा हो और एट दी एंड इंस्टाग्राम ग्रो करे। तो इससे एक बात साबित होती है कि जो एल्गोरिदम है वो सीधा सीधा लिंक्ड है कि आपके कंटेंट की क्वालिटी क्या है। अब बात करते हैं एल्गोरिदम की, कि एल्गोरिदम काम कैसे करता है। मान लो आपने इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो डाली और उस फोटो को शेयर किया, इंस्टाग्राम क्या करेगा, आपके फ्रेंड लिस्ट में से कुछ लोगों को वो फ़ोटो दिखाएगा, या फिर जो आपने हैशटैग्स का इस्तेमाल किया गया है उसके बेस के ऊपर जो वो लोग हैशटैग्स को फॉलो करते हैं उनको कुछ फोटोज़ दिखाएगा। अब इंस्टाग्राम कुछ टाइम तक देखेगा कि आपकी फ़ोटो के साथ में कितने लोगों ने इंटरेक्शन किया, कितने लोग आपकी फ़ोटो को स्किप करके ऊपर चले गए, कितने लोगों ने आपकी फ़ोटो को लाइक किया, शेयर किया, आपकी फ़ोटो को सेव किया या फिर आपकी फ़ोटो के नीचे कमेंट किया, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को देख कर इंस्टाग्राम डिसाइड करेगा कि आपकी फ़ोटो वर्थ शेयरिंग है या नहीं, आपकी फ़ोटो को आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। और एल्गोरिदम ये खुद ब खुद करता है इतने टाइम की मशीन लर्निंग के साथ में, और जब वो देखता है कि आपकी फ़ोटोज़ के ऊपर कमेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं या फिर आपकी फ़ोटो किसी ऐसी चीज़ से रिलेटेड नहीं है जो कि न्यूडिटी हो, सेंसिटिव कंटेंट हो, पॉलिटिकल रिलेटेड कोई कंटेंट हो, तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली उसको फर्दर पुश कर देता है। और फिर जिस तरह से लोग उस पोस्ट के साथ में एंगेज होते जाते हैं, आपका कंटेंट उतना ज़्यादा आगे ग्रो करता जाता है, उतने ज़्यादा नए लोगों को दिखाया जाता है और धीरे धीरे करके एक्सप्लोर के पेज के ऊपर आपका कंटेंट आ जाता है। अगर आपको नहीं पता एक्सप्लोर पेज, तो एक्सप्लोर पेज जब आप सर्च बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक फीड दिखाई देती है, वो पेज पर आप जिनको फॉलो नहीं करते हैं उनके कंटेंट भी सामने दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर आने के लिए आपको इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को खुश करना पड़ेगा। अब बहुत से लोग ये मिथ रखते हैं कि एल्गोरिदम चेंज होता रहता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एल्गोरिदम हमेशा सपोर्ट करता है आपके कंटेंट को, और आप कितना ज़्यादा उस कंटेंट को अच्छे तरीके से कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस करते हो उसके ऊपर। और सिर्फ इंस्टाग्राम ही नहीं, आप गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इन सबको उठाकर देख लीजिए, सारा का सारा खेल एल्गोरिदम का है। अगर आपने एल्गोरिदम को खुश किया तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। और एल्गोरिदम, जैसा मैंने कहा, डायरेक्टली जुड़ा है आपके कंज्यूमर से, यानी कि आपके फॉलोवर से, कि वो किस तरह का कंटेंट आपसे कंज्यूम कर रहे हैं और उसके साथ में कैसे एंगेज कर रहे हैं। तो ये तो थी एल्गोरिदम की बात। आने वाली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे कंटेंट प्रोड्यूस किया जाए जिसकी एंगेजमेंट रेट सबसे ज़्यादा हो और इंस्टाग्राम एल्गोरिदम आपसे खुश होकर आपका कंटेंट बाकी लोगों के साथ में शेयर करे।